बहुत समय पहले एक जंगल के पास दो कौवे रहते थे। उनमें से एक सरल था जबकि दूसरा चालाक था। चालाक कौवा भरोसेमंद कौवे को धोखा देने की आदत रखता था। दूसरी ओर ईमानदार कौवा हमेशा चालाक कौवे की सहायता करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन ईमानदार कौवा बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में घूम रहा था। किनारे पर पक्षी को एक सीप मिली। अंदर का स्वादिष्ट मांस खाने के लिए उसे सीप को तोड़ना पड़ा। उसने बार बार कोशिश की लेकिन सीप खुलने से इनकार कर दिया। फिर उसने अपनी बड़ी चोंच से मांस निकालने की कोशिश की लेकिन वह खोल खोलने में असमर्थ रहा। फिर उसने सीप पर एक पत्थर पटका लेकिन खोल पूरी तरह से बंद रहा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन सीप नहीं खुला। मेरे प्यारे दोस्त, सीप उस तरह नहीं खुलेगी जिस तरह से तुम कोशिश कर रहे हो, दूसरा चतुर कौवा उड़ते हुए बोला। मेरा सुझाव है कि तुम सीप को अपनी चोंच में लेकर हवा में ऊंची उड़ान भरो और फिर उसे नीचे चट्टानों पर गिरा दो, तभी वह खुलेगी। भूखा कौवा इस विचार से प्रभावित हुआ और उसने सलाह मानने का फैसला किया। कौए ने जैसे ही सीप को ऊपर से नीचे गिराया, पक्षी उसके साथ उड़ गया। दूसरी ओर दूसरे चतुर कौए ने उसे उठाया और उसके अंदर का मांस खा लिया। जब पहला कौआ आया तो उसे केवल टूटे हुए सीप के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोगों पर उनके दिखावे के आधार पर भरोसा नहीं करना चाहिए।